अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद इकबाल हजी सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट मैसूर एनआर क्षेत्र। परसों एक वक्त बोर्ड की जो हमारा इदारे की हाफिज ओपन हुई, उस हाफिज कर्नाटक की हाफिज जो ओपन हुआ बोर्ड हाफिज है, उसके अंदर जनाब अलास तनवीर सेठ साहब का उनके कार्ड के अंदर उनका नाम है। क्या अलास तनवीर सेठ साहब वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार नहीं? क्या वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार? आज सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे मैसूर के अंदर है। वक्फ बोर्ड के अंदर तनवीर सेठ साहब उनके वालिद जो खिदमत कर को ही ये इदारे के अंदर अलास तनवीर सेठ साहब मिनिस्टर भी बन को ही उसके एक जिम्मेदार भी ही। शायद गए बार उन्होंने चेयरमैन होना था, शायद उन्होंने को दूसरे को बना रहे, बिल्कुल नहीं बने चेयरमैन। अलहमदुल्ला छोड़ को विद्यालय वो बारे में हमें पूरे कर्नाटक को मालूम है। इस तरह का रवैया रहा तो हमारे में एकता नहीं रही। जब एक मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के उनका नाम नहीं रहा तो ये क्या है, ये क्या वास्ते ऐसा हो रहा? अवाम क्या बोलती है इसके बारे में? अवाम गलत गलत सोच रहे। हमारे कर्नाटक के अंदर 9 MLA जो जीत को है उनका तमाम का भी एकजुट को रहना बहुत जरूरी है। 1.5 करोड़ मुसलमान है कर्नाटक में, वो 1.5 करोड़ मुसलमान के जिम्मेदार ही नो। जब अपने में हमारे में एकता नहीं रही कहीं की गलत जाता। ये हाफिजस करी कौन करी ये हमने मालूम है, लेकिन कार्ड के अंदर एक जिम्मेदार अलास तनवीर सेठ साहब का नाम नहीं है। इसके बारे में मैसूरी में पूरा कर्नाटक ये बारे में क्वेश्चन पूछ रहा, क्या भाई कार्ड में तनवीर सेठ का नाम नहीं है ना, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार नहीं क्या? अनुभव को ये सीओ जो काम करी सरासर गलत करी। इसके बारे में हमें बहुत अफसोस हो रहा और बहुत बेजार हो रहा। सबसे ज्यादा मैसूर के अंदर इस वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज इसके जिम्मेदार अलास तनवीर सेठ साहब, उनका नाम नहीं रहा तो ये क्या, इसका मतलब क्या, इसकी वजह क्या, क्या वास्ते ऐसा कर रही? क्या हमारे MLA हमारे मिनिस्टर एकता एक बनकर रहना नहीं चाह रही क्या? ये ऑफिसर्स कर रही, ये कौन कर रही, क्या वास्ते कर रही, आखिर क्या साबित करना चाह रही? उन तमाम MLA और मिनिस्टर से हमारी किचक गुजारिश कि कर्नाटक के अंदर 1.5 करोड़ मुसलमान के जिम्मेदार हित में माइनॉरिटी के हर आदमी तुम्हारा पूछता, हर आदमी तुम्हारा ये बात पूछने का हक बनता कि तुम्हें एक रहते कौम का भला होता। सब अगर तुम्हारे में एकता नहीं रही, एक को एक तुम्हें छोड़ दिए तो सामने वाले दूसरे आवाम सुच्चे इनमें एकता नहीं है। बल्कि मैं फिर एक बार गुजारिश करके बोलता हूं कि हमें कर्नाटक के अंदर एक बनकर रहना बहुत जरूरत है, जरूरी भी है और जरूरत भी है। हमने तुम्हारे जैसे लीडर्स की भी जरूरत है और हमारी भी तुम्हारा जरूरत है। इसके वास्ते आने वाले दिनों में यह सभी नहीं हुए तो बहुत अच्छा रहता। आने वाले दिनों में लखो हमारी एकता दिखो, आवाम को तुम्हारी जरूरत है, तनवीर सेठ की भी जरूरत है, फलाने मिनिस्टर की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है भाई। ना सियासत वाले का इसमें वक्त जो है हमारी प्रॉपर्टी है, कौम का इदारा है। कौम के इदारे की प्रॉपर्टी में अपना सियासत की जरूरत नहीं है, हमना जरूरत है तुम्हारी एकता की। तुम्हें एक बन को रहते एक जुड़ को रहते कि आवाम को भला होता। तुम्हारे में एकता नहीं रही तो आने वाले दिनों में हमारा बहुत मुश्किल होती है। अल्लाह के वास्ते सभी नको तनवीर सेठ एक जिम्मेदार ही, तनवीर सेठ साहब को लेकर चलना, उन्होंने भी एक कर्नाटक की एक शान ही एक जान ही, उन्होंने भी एक आवाम के एक लीडर रही, उनको भी लेकर चलना बोलो भाई। आने वाले दिनों में जो भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है उनको बोलना चाहता हूं। इकबाल साहब एक सवाल है, जितने भी MLA है ना, जो अभी MLA है उन सब वो सब जो ही वक्फ बोर्ड के मेंबर है जीते हैं, तो यहाँ पर उनका नाम नहीं लिया, उनको नहीं बुलाया गया, इससे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्यों इस तरह हुआ है, क्या लगता है? ये वजह हमने नहीं मालूम है, वजह मालूम होती तो मैं वजह का पूछते थे, लेकिन हमने मालूम इसीलिए पूछ रहे कि नाम नहीं रहा उनका, क्या वजह, क्या उन्हें जिम्मेदार नहीं, एक जिम्मेदारी इस ना कर्नाटक के, तो वो जिम्मेदार इंसान का नाम नहीं तो मैं पूछ रही उससे। तो ये आज हमें आपके चैनल के इससे मालूम करेंगे बोल रही, इसकी वजह क्या? सब MLS का नाम है तो जो वो वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार है उनके नाम है, तनवीर सेठ साहब का नाम नहीं है इसमें, क्या वजह, क्या आखिर ऐसा कई को? सर ये प्रोग्राम वो को भी 3 दिन होगा, पहले तो आप पूछ सकते थे ना कि आपको मालूम नहीं था, इनविटेशन में नहीं, हमना तीसरे दूसरे दिन मालूम हुआ। दूसरे दिन मालूम होने के बाद हमें क्या भी नहीं पूछे, लेकिन हमारे जिम्मेदार से भी कहा गया कि चले गए थे,
इसके बारे में इंक्वायरी कर लेंगे, बैठ को बात करेंगे, इसके बाद एक प्रेस मीट के लिए बोलो, आज हमें डिसाइड कर लेंगे, प्रेस मीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जैसे हमें इतला मिली 3 जुलाई का दिन जो है हमारे स्टेट वक्फ ऑफिसर ऑफिस में जो सेकेंड फ्लोर पे रिनोवेशन के बाद उसकी इफ्तिताह हुई, उस इफ्तिताह को लेकर जो है अभी सवाल खड़े हुए हैं सारे कर्नाटक से, क्योंकि बाबाए औकाफ अली जनाब अजीज सेठ साहब के फर्जन जनाब तनवीर सेठ साहब वफ से जो है पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, इन्विटेशन में इनका नाम गायब है और इनको इन्विटेशन भी नहीं दिया गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एक इलेक्टेड मेंबर हैं जो उनका 5 साल तक इलेक्टेड मेंबर परमानेंट रहेंगे, तो इनको क्यों नहीं इन्वाइट किया गया, क्यों इन्विटेशन में नाम नहीं दिया गया, जबकि इस बार इलेक्शन में तमाम मुसलमानों ने एक दिली का मुजाहरा किया और कांग्रेस गवर्नमेंट आई। अब जो है तमाम मुसलमान खौम एक हो चुकी है, तो जो इलेक्टेड नौ मुसलमान एमएलएस हैं ये क्यों एक दिली का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये क्या चीज है, ये क्यों साइड लाइन किया जा रहा है, क्या है? अरे मुसलमानों समझ जाओ, दास्तान तक नहीं रहेगी दास्तानों में, तमाम एक होना है। जब कौम एक हो गई है तो आप लीडरान क्यों एक नहीं हो रहे हैं? सवाल तनवीर सेठ का नहीं है, सब एक होना है। और हमारा डिमांड भी है, क्यों तनवीर सेठ साहब के साथ इस तरीके का बर्ताव, ये ठीक नहीं लग रहा है, कहीं हमें फर्क महसूस हो रहा है, सारे कर्नाटक में इस बारे में सवाल उठाया जा रहा है, हमें मैसूर फोन आ रहे हैं पूछ रहे हैं कि आखिर तनवीर सेठ साहब के साथ ये क्यों हो रहा है। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से इनका नाम भी आना चाहिए था और उनको इन्विटेशन भी देना चाहिए था। इसका जो है हम सीओ साहब से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं और ये स्टेटमेंट है इसमें कहां पे एरर हुआ है, बस हमारी ये गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 3 तारीख को जो बेंगलुरु के अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड की ऑफिस का रेनोवेशन हुआ और उसका अवसरनौ इफ्तिताह भी हुआ, ये काबिले तारीफ बात है। मगर हमारी यहां जमने का मकसद और एक मजम्मत करने का मकसद क्या है कि कर्नाटक के माने हुए बाबाए औकाफ, सिर्फ मैसूर कर्नाटक में नहीं सारे हिंदुस्तान में पहचाने जाने वाले मरहूम अजीज सेठ साहब, जो पूरी जिंदगी वक्फ के लिए वक्फ कर डाले, उनके फर्जन उन्हीं के कदमों को चलते हुए औकाफी जायदाद की हिफाजत करना, औकाफी जायदाद को बिल्कुल कौम के लिए इस्तेमाल में लाना, ये उनका मनसब है। हम तनवीर सेठ साहब से करीबी ताल्लुक होने के बावजूद उनके औकाफी खिदमत को आज हमें याद करना है। जब औकाफी मिनिस्टर थे पूरे कर्नाटक के अंदर औकाफ के एक तहरीक ले लगाए, जो मिसाली मस्जिद हो या मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा हो या औकाफी हिफाजत हो, आज हुकूमत कर्नाटक के अंदर औकाफ की जहां जहां भी प्रॉपर्टी से उसकी हिफाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स को उसके जिम्मेदार बनाए हैं। वो आज से उनकी हिफाजत करना, वो कौम के लिए इस्तेमाल करना और उसकी तरक्की करना उनका मकसद है। इतने ऊंचे ख्याल रखने वाले, इतने खिदमत करने वाले ये बाकमाल वक्फ के मिनिस्टर जिनकी खिदमत को आज हमें सराहते हैं, ऐसे एक नुमाइंदे को आज नजरअंदाज किया जा रहा है, इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इनकी काबिलियत के ऊपर कोई निशान नहीं लगा सकता, कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं दूसरे कोई मसाइल नहीं, और एक ये सेलेक्टेड मेंबर नहीं है, ये इलेक्टेड मुतवलियों से सेलेक्ट किए गए मेंबर को आज वक्फ बोर्ड के अंदर
ये इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तो हम सख्त अल्फाज से नहीं इसकी मजम्मत करते हैं। इसके जिम्मेदार कोई भी हो, मैं समझता हूँ ऑफिसर्स जो भी इन्वाइट किए हैं या इन्विटेशन बनाए हैं वो अदब इसकी सख्त नोटिस लेना है इस तरह के। और मैं चाहता हूँ पूरे कर्नाटक के जितने भी मुतोलिया हैं उनकी तोहीन हुई है, जो मुतोलिया तनवीर सेठ साहब को चुने हैं उनकी तोहीन की गई है, उनकी बेहरमती की गई है। मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं कि इसकी मजम्मत करें और इसके बाद इस तरह की हक तलफी ना करें, क्योंकि एक बाविखार एक खिदमत गुजार की तोहीन मैं समझता हूं पूरे कर्नाटक के अंदर अगर वक्त को कोई समझ सकता है तो सही समझ सकता है तो क्योंकि मैं उनकी किताब पढ़ा हूं और वक्फ एक्ट इन कर्नाटका मेरे पास है किताब। वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी जिस तरह भी डील होती है उसे रेंट को देते हैं, लीज आउट करते हैं, उसका रेंट वसूल करते हैं। वो किताब पढ़ने के बाद मैं तंजीर शेठ साहब से बहुत मुतासर हुआ हूं, आज उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो दर्द हुआ, इसलिए इन अहबाब के साथ बैठकर मेरे दर्द भरे चंद अल्फाज आपके सामने गोशा गुजार किया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की अगर कोई हरकत हुई तो इसकी सख्त अल्फाजों में हम पूरे मजम्मत करेंगे। प्रोफेसर नबी जान साहब एक सवाल यहाँ पर ये आ रहा है, पिछले ही मरतबा बीजेपी हुकूमत सारी रियासतें कर्नाटक में थी, अभी जाकर जो है सब लोग मिलकर जो है भारी अक्सरियत के साथ कांग्रेस को जिताए, बेशक फिर जो है एनआर हल्के में छठी मरतबा जो एक बहुत आला पैमाने पर जीत हासिल हुई, वहां पर जब कांग्रेस आ जाती है तो इनको मिनिस्ट्री से भी वजीर से भी जो है महरूम किया जाता है। अभी जाकर जो है वफ के जो इफ्तिताह का जो प्रोग्राम होता है वहां पर भी जो है नजरअंदाज किया जाता है, कहीं ना कहीं मैसूर वालों का जो है दिल छोटा कर रहा है, मैसूर वालों को जो है नाराज किया जा रहा है। सिर्फ मैसूर वालों का ही नहीं, सिर्फ मैसूर के नुमाइंदे नहीं है वो पूरे कर्नाटक के है। ये तो हमें मलाल है ही, इसके बावजूद भी छठवीं मरतबा जीतने के बावजूद वो सियासी उनका उनकी पार्टी जो करती है वो करेंगे, वो उसमें हमें को नहीं। ये वक्फ जो है ये सियासी नहीं है, ये मिली इदारा है, कौम का इदारा है। अगर ये सब मुत्तहिद होकर ये जुटकर रोक सकते हैं तो सारे मुसलमानों के वोट जो कांग्रेस को दिए हैं कोई मकसद के लिए दिए हैं, वो मकसद की जिम्मेदारी इन जो चुने हुए अहबाब है इनकी है, इनको ये हमारे पास फिर हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आज कौम के हालात को संभालना है, संभालना है तो अपे अमल पहम यकीन महकुम मोहब्बत पाते आलम। अगर ये सब मुत्तहिद होकर एकजुट होकर औकाफी काम करे तो मैं समझता हूं, मैं भी थोड़ा मोड़ा वक्त जानता हूं, अगर छह पूरे वक्त की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल होगा तो मैं समझता हूं कर्नाटक का कोई मुसलमान गरीब नहीं रही। ये छोटा मोटा हुआ हमारा भी चल फिर कर देखे ही इतने प्रॉपर्टी से उसकी हिफाजत करना। अब देखो दूसरे जितने भी अकवाम हैं वो मुतहिद हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे को मिनिस्टर बना रहे हैं, मगर हमारे यहाँ इतनी कसीर तादाद होने के बावजूद भी कम से कम एक छोटा मोटा भी हम काम नहीं कर सक रहे तो ये हमारे लिए भाई से जिल्लत है। मैं समझता हूं अगर इसके बाद हमारे चुने हुए नुमाइंदे तमाम मुतहिद होकर एकजुट होकर कौम का एक बहुत बड़ा काम नुमाया अंजाम देंगे, हम उनके जिंदगी पर शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह।